आधा श्रीनगर, आधा आधा नहीं, 75% श्रीनगर भाई का ही है। तभी तो नाम है आमिर। तो भी इसको ना यहाँ से काटना पड़ेगा। फाइनली रिवील करते हैं, एक दो तीन। मैंने देखो मार्केट भी वैसा ही है ना। समझ रहा हूँ मैं। 90,000 रुपये, 95,000 रुपये दूंगा तो फोन चेंज होकर दूसरा मिलेगा। 55,000 रुपये की इसकी डिस्प्ले है। मेरा CRF है ये, मेरे हेलमेट और मेरे पंख निकल गए हैं। कब निकले पता ही नहीं है। पंख तो मेरे बचपन से निकले हुए हैं। कौन है बाहर? चलो आओ देख कर आए। चलो चलो चलो। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से एक नए दिन की शुरुआत। और सुबह सुबह देख लो भाई इनको, कम से कम पिछले 1-1.5 घंटे से तौलिया टांग के ना बाहर फोन पे लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा है ना बाइक साफ करने जा रहे हैं अभी ये। कौन है बाहर? कौन है? नोनू। पूरा दिन यही लग रहते हैं, फोन पे बात करते रहते हैं। और मैं सोचूं ये वाले फूल ना नए लेकर आऊं, बेचारे निपट गए हैं। ये आगे वाला तो सही है, जो पीछे वाला है ना ये देखो चलता ही नहीं है, सीसो बन गया। ये भी ऐसा ही हो गया। अभी टाइम हो चुका है 2:10। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। और फाइनली आज हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी लेने के लिए। गाड़ी हो चुकी है रेडी। मुझे नहीं पता आपको पसंद आएगी नहीं आएगी, क्योंकि इस बार मैंने सोचा था कुछ अलग करते हैं, कुछ हटके करते हैं। जब भी कुछ अलग कुछ हटके करो ना, तो काफ़ी बंदों को चीज़ पसंद भी आती है, काफ़ी बंदों को नहीं भी आती। तो थोड़ा मेरे को डर है, मेरे को अच्छी लग रही है, होप करते हैं आपको भी अच्छी लगेगी। चलो यहाँ ज़्यादा बकवास नहीं करता, सीधे जाके आपको अपनी गाड़ी दिखाता हूँ। आप ही कमेंट सेक्शन बताना अच्छी लग रही है नहीं लग रही। कोको क्या हुआ? जैसे नीचे से बच्चों की आवाज़ आती, किसी की भी आवाज़ आती है तो भागता हुआ था बाहर देखने के लिए। और वो देखो हमारे पास वापस आ चुकी है हमारी रेंगलर। ये कौन लेकर आया? अभी मिलवाता हूँ। सर गुड मॉर्निंग, कैसे हो? गुड मॉर्निंग, एकदम बढ़िया। चीयर्स मेरे भाई। कहाँ है चाय? ये पी चुका है ऑलरेडी, इसने ऐसे करके पिए। और बताओ कैसे हो? बढ़िया, बहुत टाइम बाद मिल रहा हूँ मैं, कैसा लग रहा है? अच्छा अच्छा सर। सर ने एक्चुअली यहीं पर आए हुए थे, और मैंने इससे पहले वाला जो व्लॉग डाला था ना उसमें मैंने बताया था मेरी तबीयत खराब है, तो सर का कॉल ही आ गया कि यहाँ पर आया हूँ, पास में मिलता हूँ, अभी जाता हूँ। तो सर को मैंने रिक्वेस्ट करी जब आए हुए हो तो हमारे साथ चलो, हम अपनी गाड़ी भी ले आते, आप भी देख लेना कैसी लग रही है, साथ में आप भी देख ही लेना। पहचान में आ रही है? मस्त लग रही है। ये सर वाली ही बाइक है बिल्कुल, हमने इसकी शक्ल ही चेंज कर दी, रंग रूप सब कुछ, दोनों का रैप चेंज कर दिया ना। मैं तो आमिर को भी कह रहा हूँ अपनी बाइक रैप करवा ले जाने से पहले, मान ही नहीं रहा। रैप करवा ले इसको, इसके सारे दिन फोन चलते रहते, मोटे बिजनेस है ना। आधा श्रीनगर, आधा आधा नहीं, 75% श्रीनगर भाई का ही है। अभी तो नाम है आमिर। सर भी भाई कम नहीं है। ओ सर आपका पैसा वाला बैग। कितने दिनों बाद हम बैठ रहे ना रेंगलर में। सर इसकी पन्नी क्यों उतारी आपने अभी? सर अच्छा लगता है नया नया। मैं ना डिस्क्रिप्शन में ना आमिर भाई का नंबर डाल दूंगा, कोई ब्लॉक करा सकते हो ना इनका नंबर, ब्लॉक करा देना। दोनों तीनों नंबर से बात कर रहा हूं सारा दिन। ये मामा है मेरी, बात कराना मामा से, कराओ मेरी बात। ये देखो एक बारी बात करा दो बस मेरी। देखा कोई भी नहीं है भाई, झूठ बोल रहे हैं ये। इसमें एक अलग ही जोन आ जाता है, अलग ही फील आती है। बवंडर यही वाला बवंडर है वो। एक चीज और बता दूं, आमिर भाई ने मेरे साथ जाना था बाइक का काम करवाने के लिए, लेकिन कल मैंने पूरा दिन आराम करा। जब मैं राइड से आया उसके अगले दिन आराम करा, फिर मैंने एक वीडियो बनाई, फिर उसके अगले दिन फिर आराम करा। जिस दिन आमिर भाई गए सारा काम करवाने के लिए, क्या क्या करवा के आए? टॉप बॉक्स करवा के, और क्या क्या करवा के आए? फॉग लैंप लगवाए, बाग बस्टर के वो लगवाए आगे, हैंडल गार्ड, बस यही काम करवाया पूरा दिन में। सुबह 10 बजे बंदा निकला था, रात को 12 बजे घर पहुंचा है, ये काम करवा के। टायर चेंज करवाया, टायर भी चेंज करवाया। इन्होंने अपनी बाइक का पूरा काम करवा लिया। अब मैं इसको कह रहा हूँ कि रैप भी करवा लो लगे हाथ,
बाइक बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगी, लेकिन कह रहे मेरे पास टाइम नहीं है, घर पहुँचना है, ये है वो है। मैं चलो ठीक है देख लो जैसी आपकी मर्जी। मेरे को भी अपनी बाइक के टायर चेंज करवाने थे, सोचा था इनके साथ ही चला जाऊँगा, लेकिन मेरे को थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, इस चक्कर में मैं गया नहीं। कोई नहीं, कल परसों जाके करवा लूँगा चेंज। और सर भी प्लान कर रहे हैं एक सुपर बाइक लेने का जल्दी, अभी सोच रहे हैं कौन सी ली जाए, नेकेड ली जाए, फेयरिंग वाली ली जाए, क्या किया जाए। 2-3 महीने के अंदर अंदर, दो महीने मैक्सिमम 2 महीने। अब हमने अपना महंगे वाला गॉगल उतारा ना, तब पता लगा बाहर तो तगड़ी धूप हो रही है यार। कफन का करा दिया जाए ना इस पे, बढ़िया दिखेगा। आप इधर से तो देखो ये भी किया है ना इसने। तो अभी सर लोग गाड़ी देख रहे हैं, पहले इनका रिव्यू लेते हैं। लग कैसी रही है ये बताओ, लग कैसी रही है? बढ़िया लग रही है ना, ये वाला पार्ट लास्ट लग रहा है। हाँ, लेफ्ट और राइट दोनों पार्ट अलग दिख रहे हैं। और मैं क्या सोच रहा हूँ ना, अपनी गाड़ी के ऊपर से ये भी उतरवा दूँ, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, जब लगाना होगा तब लगा लेंगे। तो अभी एक चीज़ और दिखाऊँ, एक छोटा सा सीन हो गया है। हाँ, इसको उतार देते हैं ना, जब सही होगा दोबारा लगा लेंगे, क्या नहीं रहना चाहिए इस पर, अभी तो अच्छी लुक देती है। अरे थोड़ा खाली लेके भी घूम लेना। अच्छा, ऐसे सस्ता है यार, बड़ी गाड़ी। कल आपके सामने जब मैं बोल रहा था उतार दो, तब तो तुम कुछ बोले नहीं। कल बाइक पे मेरे साथ नहीं आए थे, तब कुछ नहीं बोले। अब उन्होंने सारे बोल्ट खोल दिए हैं, देखो ये वाला बोल्ट भी खोल दिया है, उधर वाला भी खोल दिया है, और उधर वाला भी, और ये है कि अटक रहा है। तो मैं तो कह रहा हूँ काट दो, है जाएगा कि नहीं पड़ा रहेगा। जब भाई मैंने रिस्क लेने से बढ़िया इनको बोला इसको दोबारा टाइट ही कर दो, बाद में कहीं और से उतरवा लूँगा, रिस्क नहीं लेता। 3 बोल्ट खोल दिए थे, अच्छे से टाइट कर देना, किसी के सर पे गिरेगा तो इस भाई की शक्ल देख लो। तो अभी ना एक छोटा सा सीन और हो गया है, पहले खुलवा रहा था, खोल नहीं रहा था, तो मैंने बोला दोबारा टाइट कर दो। अभी टाइट कर रहे हैं तो आगे के बोल्ट फ्री हो गए हैं, अब वो टाइट भी नहीं हो रहा। तो मैंने बोला अभी इसको किस तरह खोल ही दो, जब लगवाना होगा तब की तब देखेंगे लगेगा नहीं लगेगा क्या करेंगे, लेकिन अभी खोल दो। जो ये वाले बोल्ट है ना ये फ्री हो गया है, ये टाइट ही नहीं हो रहे, पीछे वाले तीनों टाइट हो गए। अब होगा क्या ना, जब गाड़ी चलेगी तो ये हिलेगा, तो अभी इसको ना यहाँ से काटना पड़ेगा। बैठे बैठे आमिर भाई उबासियाँ ले रहे थे, तो मैंने इनको बुलाओ तुम्हें जूस पिला के लाएं। गाड़ी कौन चला रहा है पहले ये बताओ। नहीं नहीं भाई, हेलो, जिंदगी से बहुत प्यार है मेरे को। तो वो दूसरा है हमारा, ये हवा में उड़ाता है, ये दूसरा समीरन है। समीरन है भाई, देखो अगर आखिरी बारी बिठाना चाहते हो तब भी ठीक है। धीरे चलाना यार, पता है क्या तबीयत भी खराब है ना, उल्टी उल्टी कर दूं मैं यहाँ वहाँ कहीं तुम्हारी गाड़ी में, क्या फायदा। मेरे साथ पहली बार बैठे हो, मेरे साथ। अरे मैंने सुनी है कहानियाँ। अच्छा। बिल्कुल। तीन झूठ बोलना। आमिर भाई तो गन्ना लेंगे, खाएंगे गन्ना। कैंसिल प्लान, कैंसिल, चार ही जूस कर देना भैया। भाई उनका भी आया नहीं, वो पाइन एप्पल पी रहे और हम पी रहे हैं वाटरमेलन। वाटरमेलन कहते हैं शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है। गाड़ियां देखो कैसी खड़ी हैं, हमारी देखो। लगा के भाग लिए, जब पहले कोई हमें आवाज मारे हम गायब हो गए। आज सारे काम उल्टे करेंगे, हमेशा डिलीवरी लेने के बाद केक काटते हैं, आज पहले केक काटेंगे बाद में डिलीवरी लेंगे। आओ भाई, आज हमारी गाड़ी का नया जन्म हुआ है भाई, फिर से। आप लोग देख लोगे तो आप लोग बोलोगे वाह, पहले गाड़ी को खिलाते हैं। ले भाई मुंह मीठा कर, आओ भाई आओ। आमिर भाई, ओ भाई साहब, ये देखा देखा तुमने, हल्का सा केक खिलाया था, पूरा मुंह खोल के आगे आ गया, पूरा का पूरा खाऊंगा। लो भाई फाइनली रिवील करते हैं, 1-2-3। तो अभी दिखाता हूँ गाड़ी के सिनेमैटिक, उसके बाद आपको एक एक बंदे को कमेंट करके बताना गाड़ी लग कैसी रही है। भाई मेरे को तो बहुत शानदार लग रही है, बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारी। पहले आप इसके सिनेमैटिक देखो, ग्राफिक देखो जो हमने करवाए हैं इस पर, दिल खुश हो जाएगा। और एक एक ग्राफिक का मीनिंग है, दिल से कराया, बहुत मेहनत से करवाया है।
आमिर भाई का फोटो सेशन ही नहीं खत्म हो रहा, पहले मैंने खींची इनकी फोटो, अभी उनसे खिंचवा रहे हैं, और ये भाई केक लेके खड़े आमिर भाई के लिए। आमिर भाई बाद में नहीं मिलेगा केक, कोई मतलब नहीं है, गाड़ी इतनी प्यारी लग रही है ना, कह रहे कम से कम 250 फोटो खिंचवाऊंगा उसके बाद ही आगे जाऊंगा। ला भाई तब तक मैं ही खा लेता हूँ। सबसे छोटे वाला कौन सा है? हाँ ये ठीक है। तो अभी आपने गाड़ी के सिनेमैटिक तो देख ही लिए, अभी आपको दिखाते हैं कुछ बिहाइंड द सीन। सुबह से आके हम करके आ रहे थे, कहते कहते मेहनत करवा रहे थे, कहाँ कहाँ बाइक लगवा रहे हैं, PPF लगवा रहे हैं, ये भी कर दो वो भी कर दो, थोड़े बहुत ये देखो, तब तक केक खा के हम भी निकलते हैं यहाँ से। जैसे इनकी फोटो सेशन हो गया ना, इन्होंने 4 डूने उठा लिए वहाँ से केक के, देखो भाग रहे हैं यहाँ वहाँ। आमिर भाई तब से मना कर रहे हैं बैठ के, मत उतारो मत उतारो मत उतारो, मैं कह रहा हूँ उतरने दो उतरने दो, उतर रहा है तो। पहले इस साइड से उतार रहे थे, लेकिन उस साइड शेड भी है ना, तो अभी वहां से उतारेंगे। इतना तो भारी नहीं है जितने बंदे लग गए हैं। देखिए यार मुश्किल से 60-70 किलो का है। बंदे देखो नीचे कितने खड़े हैं। इसको सिर्फ 2 बंदों ने चढ़ाया था, सिर्फ 2 बंदों ने। नहीं नहीं निकल तो गया। हाँ लेकिन ये फ्री हो गए ना, कौन से फ्री हुए हैं ये, उनको बोल दो चारों। ये देख रहे हो ये वाले जो पेच है ना, ये जो इसके अंदर लगे हुए हैं, ये फिक्स ही है, ये हम दूसरे नहीं लगा सकते। दिखाना एक बार बाहर निकाल, ये देख रहे हो ये इसके साथ फिक्स ही है, तो ये अपने को शायद दोबारा मंगाने पड़ेंगे उनसे ना। ये एक लेना पड़ेगा साथ, ये सब नहीं लाने, सबू में प्रॉब्लम है। ओके तो बोल देंगे ना 4 सेट, 1, 2, 3, 4 चार सेट भेज देगा हमारे पास। 4 सेट कहाँ है ये? 4 सेट ही तो है भाई, 1, 2, 3, 4 चार जगह से तो बंदा हुआ था। तो अभी आप जितने भी सीन देख रहे हो ना, ये सारे बिहाइंड द सीन है, मतलब ये गाड़ी रिवील करने से पहले हमने बनाए थे, बहुत सारी चीजें हमने इसमें कस्टमाइज कराई है। एक बार दिखाता हूँ क्या करवा रहे हैं। यहाँ पे डिफेंडर का साइन नहीं है, डिफेंडर का साइन लगवा रहे हैं, साथ में यहाँ पर एक एवोल्यूशन वाला चीज बनवा रहे हैं, बच्चा साइकिल जब बनेगा ना तब दिखाएंगे। ये सूरज भी अभी बनवाया, सूरज भी नहीं था। कैसे लग रहा है? जैसे मैं CRF चला रहा हूँ, ये मेरा ही हेलमेट है, लग नहीं रहा CRF है ये, मेरे हेलमेट और मेरे पंख निकल गए हैं। कब निकले पता ही नहीं है। पंख तो मेरे बचपन से निकले हुए हैं। वो स्टिकर लगा। अरे यहाँ से मैं CRF पे बैठा, ये पहाड़ों से घूमता, तो मैंने पहाड़ बिल्कुल पार कर लिए, तो मैं पहाड़ों को याद कर रहा हूँ, यहाँ देखता हुआ कितना बढ़िया रास्ता था। जितना आसान इनको हटाना है ना, उतना ही मुश्किल इनको लगाना भी है, बिल्कुल नाप के लगाना होता है, कहीं इनका गैप इधर उधर हो गया तो दिखने में बिल्कुल अजीब लगेगा। इसके कलर भी वैसे ही आएंगे ना जैसे उसमें थे। सबसे ज़्यादा मेहनत लगी होगी ये वाले स्टिकर में, क्यों भाई है ना, एक ये वाला एक आगे वाला। पूरा बीच में कंपास बनाया हुआ है, फिर हिरन भी है, जंगल भी है, पेड़ पौधे पक्षी, ये देखो मोनेस्ट्री भी बनाई हुई है हमने ऊपर। मतलब जैसे जैसे हम ट्रैवल करते हैं ना, जंगलों से निकलते हैं, बाय चांस हमें स्नो लेपर्ड दिख जाए, आज तक दिखा तो नहीं लेकिन हमने यही बना दिया है। एक स्टिकर में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, और ये फ्रंट वाले में हम इसमें एक बढ़िया काम ये भी कर रहे हैं, डिफेंडर जो था ना वो ग्रे कलर का था, इसको ब्लैक कर रहे हैं, ब्लैक के साथ ज़्यादा बढ़िया लुक आ रही है। अभी देख लो आधा ग्रे आधा ब्लैक है, ब्लैक ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, इसके साथ मैच भी कर जाएगा। स्टिकर के 2 पैटर्न निकाले, एक रेड में एक ब्लैक में, पहले रेड वाला लगाया, अब ऊपर ब्लैक से आउटलाइन कर रहे हैं। सिर्फ इतना लगाने में करीबन 1.5 घंटा लग गया हमें। अभी नीचे कुछ लिखा हुआ भी आएगा, फिर इसको पूरा लैमिनेट करेंगे, और टाइम देख लो 5-10 यहीं पर हो चुके हैं। कितने टाइम बाद अपनी गाड़ी में बैठ के कितना अच्छा लग रहा है ना, मेरे ख्याल से 1 महीने बाद बैठ रहे हैं अपनी गाड़ी में वापसी, एकदम बढ़िया वाली फील आ रही है। शुक्रिया मेरे भाई, ठीक है जी मिलते हैं। 1 महीने बाद अच्छा लग रहा है हमें अपनी गाड़ी में बैठ के। आप लोगों ने दे दी, शुक्र है दे दी है, नहीं तो इन्हीं की थी ये गाड़ी। चलो बाय बाय, ठीक है जी मिलते हैं। अभी गाड़ी में बैठे बैठे ध्यान आया कि इतना अंधेरा क्यों हो रहा है, फिर याद आया अपने पास मून रूफ है, और ऊपर से टेंट हमने हटा दिया है, अभी एकदम खुली डुल्ली रोशनी आएगी भाई, बढ़िया लग रहा ना। इतने दिनों बाद अपनी छत से बाहर देखते हुए, नहीं तो टेंट लगा हुआ था बाहर दिखते नहीं था, अंधेरा अंधेरा दिखता था। थोड़े दिन ऐसे मजे ले लेते हैं, टेंट तो यहाँ पड़ा हुआ है, हालांकि उसके जो पेच है ना वो खराब हो गया, लेकिन जिनसे टेंट मंगवाया था ना मैंने उनसे बात कर ली, वो कह रहे देखते अगर अरेंज हो सकते हैं तो,
नहीं अरेंज होंगे तो जुगाड़ तो है ही है, इंडिया में हर चीज का जुगाड़ होता है, कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे। ये देखो यहाँ पर जितने बच्चे दिखेंगे ना सबने बैग टांगा होता है छोटा सा, जैसे मैंने टांगा हुआ है ना, मैं अपनी कलेक्शन इसमें लेके चलता हूँ। ये बच्चे लोग अपनी कलेक्शन इसमें लेके चलते हैं। देख देखो अभी हंस रही थी, हमें देखते रोने वाली शक्ल बना ली इसने। चलो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में आपका स्वागत है। मुंबई चले क्या आमिर भाई? हाँ भाई, हाँ जी। ऊपर से यहाँ से बोलते हैं कोई एक्सप्रेस खुला है सीधा 14 घंटे में मुंबई। 14 घंटे में मुंबई घुमाऊंगा गाड़ी, घुमाऊं क्या? घुमा दी पर गाड़ी। आमिर भाई थाईलैंड वाली गली आ गई, रुकूंगा गाड़ी यहाँ पर? नहीं, आने के टाइम पे रुका देना, आने के टाइम पे। और देखते देखते अंधेरा हो चुका है, टाइम शाम के 7 बज चुके हैं। पहले हमारा यहाँ से प्लान था कि यहाँ से जाएंगे हृदेश सर के पास, वहाँ से मेरे को एक स्टिक लेनी है, जो मेरी बुआ है ना उनका ऑपरेशन हुआ है, और जो मेरी वाली स्टिक है वो आई थिंक नेपाल में रह गई थी या मुझे मिलने नहीं कहाँ है, तो उन्होंने बोलता अपनी स्टिक दे दी, तो मेरी स्टिक तो खो गई है। तो मैंने सर को बोला, सर ने बोला मेरे पास पड़ी हुई एक्स्ट्रा ले जाइयो, लेकिन टाइम से वहाँ से निकलते तो सर के पास जाते, लेकिन अभी हम जा रहे हैं नोएडा। नोएडा हमारी एक मीटिंग है, वो मीटिंग अटेंड करेंगे, उसके बाद वापसी आएंगे, फिर सर से स्टिक उठाएंगे, फिर बुआ जी घर पर देने जाएंगे, फिर घर जाएंगे। मेरे को लग रहा है रात को घर पहुँचते पहुँचते 11-12 बज जाएंगे। आज वैसे संडे है, ट्रैफिक ज़्यादा मिलना तो नहीं चाहिए, लेकिन है, रोड पे ट्रैफिक है। और सबसे मेन चीज़ इंडिया में हॉर्न अलाउड है। वो देखो ना साइड मिरर बंद करके जा रहा है साथ वाला, देखा आपने? साइड मिरर तो कोई खोल के चलाता ही नहीं है। मैंने तो भूटान में भी हॉर्न मारी। इन्होंने तो भूटान में भी हॉर्न मार दिया था भाई, मना करने के बावजूद, लेकिन बच गए। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, कोई पुलिस वाला नहीं था वहाँ पर। आपने नहीं मारी, मेरे से तो गलती थी। लैंड क्रूजर में, हाँ, लैंड क्रूजर चला रहा ना, एकदम से सामने डॉग आ गया, और मैंने क्या किया, हॉर्न मार दिया डॉग को हटाने के लिए। फिर पीछे तो उन्होंने बोला भाई क्या कर रहा है, मैं यार डॉग है आगे उड़ाऊँ उसको, क्या करूँ, कह रहे अपने आप हट जाएगा। मैंने ना हटा तो मेरे से हॉर्न बज गया था वहाँ पर ना गलती से। बताओ कोई बोल सकता है संडे है, संडे हो या मंडे, रोज देखो ट्रैफिक जाम। हाँ बिल्कुल सही, रोज खाओ अंडे नहीं, रोज देखो ट्रैफिक जाम, दुनिया भर का जाम ही जाम। साउथ को तो बढ़िया सजा दिया यार, ये तो इस पिलर से लाइट खराब हो गई है, आगे जल रही है बढ़िया। मेरा ऑफिस यहाँ होता था आमिर भाई पहले, ये आगे इधर गली में जाके, ये वाली ना, जब एफजी डेली यहीं आता था, डेली हां एफजी लेके आ, डेली यहीं आता था मैं। अच्छी जगह ना, हैपनिंग है ना, अच्छी जगह है, प्यारी जगह है, आपका दिल भी यहां पे लगता होगा। दिल तो मेरा कहीं भी लग जाता है यार, है ना, देखो मार्केट भी वैसा ही है ना। समझ रहा हूं मैं, वो देखो सामने से ना एरोप्लेन आ रहा है, ये हमारे ऊपर ही लैंड कर रहा है। आमिर भाई कह रहे हैं हमारे ऊपर ही क्यों आ रहा है, ऐसा लग रहा है एयरपोर्ट से तो इतनी दूर आ गए हैं। ये तो व्यू कितना नजदीक आ रहा है। नहीं नहीं निकल जाएंगे, इसके नीचे से निकल जाएंगे। हेडलाइट इसकी बड़ी तेज है, वो देखना हमारी ऐसी क्यों नहीं है। हेडलाइट तेज ही होती भाई इसकी, एरोप्लेन है ये, लेकिन ये आसमान में क्या ढूंढता होगा हेडलाइट से। निकल गया भाई, निकल गया, हम निकल गए इससे आगे, बाय बाय। गया गया गया, टेंशन ना लो, इनको डर लग रहा था हमारे। अभी आपको लग नहीं रहा था कि हमारे ऊपर ही ना लैंड कर जाए। तो भाई जो अपना मीटिंग पार्ट था वो तो खत्म हो गया। एक सबसे मेन चीज बताऊं भाई, हमारे आईफोन की डिस्प्ले आपने कितने की बताई है? 45,000 45,000 रुपए, अगर आपकी सेटिंग हो तो, और अगर कोई बातचीत ना हो तो 55,000 रुपए की डिस्प्ले, और फोन स्वैप होगा पूरा अराउंड 95,000। 90,000 रुपये 95,000 रुपये दूंगा तो फोन चेंज होकर दूसरा मिलेगा। 55,000 रुपये की इसकी डिस्प्ले है। हे भगवान, इतने महंगे महंगे फोन क्यों दिलाते हो तुम हमें? अब इससे महंगा लेंगे, अब लेंगे ही नहीं। छोड़ दो फिर ब्लॉगिंग। नहीं नहीं नहीं, फोन तो आएगा, अब दूसरा आएगा, इसको चेंज ही कर लूंगा। लेकिन सबसे पहले भाई से पूछता हूँ गाड़ी कैसी लग रही है। लग रही है मतलब लास्ट टाइम वाले से लाख गुना अच्छी लग रही है, लास्ट वाली से लाख गुना अच्छी। हाँ सच्ची में बता दो क्यों, क्यों स्कीम के ऊपर जो ग्राफिक्स हुए ना, ये बहुत नेक्स्ट लेवल लग रहे हैं, मतलब पास है ना। अलग है, आमिर भाई कह रहे बेकार लग रही है। देखो दोनों साइड की अलग अलग है, बहुत सुंदर लग रही है, सही में बढ़िया है ना, पैसे वसूल है। अरे मजा आ गया। चलो यार ये सुन के अच्छा लगा भाई, पता है क्या, देखो इनके साथ भी स्कीम जा रही है। हाँ ये देखो ना, ये व्हाइट के साथ मैच कर रहा है, ऑफ व्हाइट, ये सुंदर लग रही है, बहुत सुंदर। सही है, यहीं पर बातें बातें करते करते टाइम हो चुका है रात के 10, चलें। जाम से निकल के जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँचे, और फिर से जाम में फंस गए हैं। और ये देखो घर पहुँचने में कितना टाइम बता रहा है, 35 किलोमीटर 54 मिनट, रात को 11 बजे घर पहुँचेंगे। आमिर भाई और मेरे को दोनों को लगी थी तगड़ी भूख, लेकिन मेरे को बाहर का भी कुछ खाना नहीं है, तबीयत वैसे ठीक नहीं है। आमिर भाई ने दे तंदूरी, मैंने खाया नहीं, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई, मैं कुछ काम कर रहा था, जरूरी जरूरी काम, बताऊंगा टाइम आने पे। ये पीछे आ रहा है, कौन 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 है यहाँ पे, कहीं पर भी कोई भी आता है
आमिर भाई को ना यहाँ के ट्रैफिक से बहुत डर लगता है, कह रहे मैं यहाँ नहीं रह सकता, मैं कश्मीर में ही ठीक हूँ, यहाँ पे ट्रैफिक ऐसा है ना कोई भी कहीं भी घुसता, कभी रिक्शे वाला, कभी ऑटो वाला, कभी गाड़ी वाला, बस ये देखो कैसे चल रहा है क्या क्या वो रिक्शे वाले भैया, एक हाथ में फोन एक हाथ में स्टीयरिंग, ये वेट कर रहे हैं कब एकदम से गायब हो जाए, कोई भी कहीं पर भी आ रहा ना, यहाँ चलता है ऐसा, हमें आदत हो गई है पर ना गाड़ी चलाने की। अभी मैं और आमिर भाई इस बिल्डिंग को देख रहे हैं ध्यान से, क्या ही बिल्डिंग बनाई है भाई, कलर देख रहे हो कैसे चेंज हो रहे हैं, अभी हो रहे हैं, ये देखो पिंक हो गया, पर्पल हो गया, ब्लू हो गया, बड़ी दूर से हम इस बिल्डिंग को ही देखते हुए आ रहे हैं। कैसे हो, ठीक हो, कहाँ घूम रहे हो, घर जा रहे हैं, गुड़गांव ही रहते हो, उत्तम नगर, और सब बढ़िया, और बढ़िया, अच्छा अच्छा, और सब ठीक है, थैंक यू, चलो बाय 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 बाय। वो भैया जा रहे हैं ना, अभी उन्होंने भी तारीफ करी गाड़ी की, कैसे कर रहे थे ऐसे अभी जो भी हमारी गाड़ी देख रहे हैं ना भाई साहब, एक नंबर, मतलब गाड़ी ऐसी लग रही है ना, मुंह से बोल रही है, जो पहले करा था वो भी अच्छा लग रहा था और मेरे को ये भी अच्छा लग रहा है, कुछ बंदे कह रहे हैं जो पहले था ना वो इतना बढ़िया लग रहा था जितना ये लग रहा है, लेकिन मेरे को दोनों बढ़िया लग रहे हैं भाई। और आमिर भाई ने देखो अपनी बाइक में क्या क्या काम करवाया था, एक तो ये टॉप बॉक्स लगवाया था, इसके नीचे की प्लेट लगवाई थी, टायर चेंज करवा लिया, टायर आपने ज़्यादा बड़ा डाल दिया क्या, उसने डाल दिया 180, लेकिन सही लग रहा है, बाइक की लुक की अलग निकल के आ गई है। और क्या करवाया, और ये लगवाया, इस पर कहना जो बैग टंगेंगे वो टायर में नहीं जाएंगे, टायर से बाहर बाहर ही रहेंगे, और हैंडल गार्ड लगवा दिए, आगे की लाइट लगवा दिए, बहुत काम करवा के आ गए तुम तो, बल्ब भी चेंज करवाए इसके अंदर क्या ना, इसके बल्ब, ये लाइट हो गई, राइड पे ऐसे जाती ना और ज़्यादा मज़ा आता, इनके बैग ने इनको बहुत परेशान करा है, झूलते रहते थे यहाँ पर, ये लगाया ना अब झूलेंगे नहीं, चलो सही है, अब कश्मीर जाने में आपको मज़ा आएगा, ये सारे काम जो आपने दिल्ली में करवा लिए ये वहाँ हो जाते, नहीं दिक्कत आती ना, ढूंढना पड़ता एक काम कहाँ होगा, यहाँ होगा, वहाँ होगा, लाइट तो मिल जाती मगर ये वाली लाइटें, ये फॉग टॉप बॉक्स मिल जाता, टॉप बॉक्स मिलता है, वेट करना पड़ता है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं मिलता, हाथों हाथ ना मिलता, नहीं तो सारे काम हाथों हाथ हो गए आपके, ये भी नहीं मिलता, और इस बाइक का तो सामान ही नहीं मिलता, सामान ही ना मिलता, मंगवाना था फिर वेट करना, ये तो है दिल्ली में रहने का ये फायदा है, कुछ भी काम कराना है ना आपको, गाड़ी का बाइक का ऐसे हो जाता है, बस आपको उस लोकेशन में पहुंचना है, लेकिन कहीं बाहर एरिया में रह रहे हो ना तो वहाँ थोड़ी दिक्कत होती है, वहाँ भी पहुँच जाएगा, यहाँ से कोरियर होगा वहाँ जाएगा उसके बाद ही होगा। ओ भाई साहब जो इसने मारी है छलांग सूंघने के लिए, बैठने तो दे कोको, बैठने तो दे, पूछ हिलती जा रही है, देखो आंटी ने की तरह कैसे हिल रही है, रुको तो जा, रुको तो जा, उधर तो मेरे को जगह तो दे बैठने की, बस 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 बस, घर आते ही और क्या चाहिए होता है हमें, हमारा नोनू मिल जाता है, खम 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 खम। ठीक है यार, होप करते हैं आपको आज की वीडियो मजा आया होगा, सबसे पहले आपने अभी के अभी पहले तो कमेंट कर दिया होगा, जिसने नहीं करा अभी के अभी कमेंट करके बताना गाड़ी कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, या बहुत ही अच्छी लग रही है, जैसी भी लग रही है प्लीज़ एक कमेंट तो बनता है, बाकी यहाँ तक आपने वीडियो देख ली लाइक करा मेरा बिल्कुल मत जाना, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, मिलते थे किसी बड़े से वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय 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 बाय, गुड नाइट। वाली जीत भले आ जाए मौत, अब हुआ कामयाब ना बचा किसी का खौफ, अब शोहरत पाली मैंने दौलत पाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन।